मुरादाबाद के बिलारी में भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश टिकैत ने किसान महापंचायत को मंच से संबोधित करते हुए कहा कि किसानों की पंचायत बढ़ती जा रही है, हमारे संगठन ने सरकार की लगाम थामी है, सरकार तरह तरह के आरोप लगा रही है, सभी आरोपों का जवाब जनता देगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान ढीले पड़े तो आने वाले सालों तक आपका कोई नाम नहीं लेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि किसान पिछली बातें भुलाकर एक हो जाएं। नरेश टिकैत ने कहा कि प्रधानमंत्री जी बात कहकर हंसते हैं, उन्होंने किसानों को आंदोलनजीवी मजाक का शब्द कहा है। टिकैत ने कहा कि पंचायत को जमात कर रहे हैं, उन्होंने किसानों की बेइज्जती की है, अब ये कानून की नहीं बल्कि मान सम्मान की लड़ाई है। साथ ही कहा कि उन्हें माफी मांगनी पड़ेगी, उन्होंने हिंदू मुस्लिम में खाई पैदा की है। नरेश टिकैत ने कहा कि 98% भाजपा को हिंदुओं ने वोट दिया, लेकिन अब 98% लोग खिलाफ हो गए हैं। प्रधानमंत्री की गुजरात में चल गई होगी, लेकिन हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ने गलत जगह हाथ डाल दिया है। इसके साथ ही उन्होंने अपील की है कि हमारे पास शांति का हथियार है, आंदोलन में एकत्र होकर रहें, सरकार को झुकना पड़ेगा। किसानों को मैं यही कहना चाहूँ, अगर आप लोग ढीले पड़ गए तो आने वाले 30-40 साल में किसानों का कोई नाम लेने वाला नहीं पड़ेगा। जैसा ये कानून है, इनकी तो बाद में बात, पहले तो मान सम्मान की लड़ाई है भाई, मान सम्मान की लड़ाई है, मान सम्मान की लड़ाई है। इन्होंने बेइज्जती कर दी किसानों की, इन्हें माफी मांगनी पड़ेगी किसानों के सामने। काम धंधा तो चलता रहे, किसान एकता। इन्होंने 2013 में किस तरह से हिंदू मुस्लिम के बीच में एक खाई पैदा कर दी थी, उसमें बहुत ही आदमी गुमराह हो गए थे भाई, बहुत ही आदमी गुमराह हो गए थे। 98% हिंदू ने वोट दी भाजपा को, 98% ने दिया, चाहे कोई नकार लो इस बात को। और इब जा 2% रह जाएंगे, 98% इसके खिलाफ बोलिए। भारतीय किसान यूनियन।